ब्यावर के चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आखिरकार चुनाव में नया मोड़ आ गया है। मनोज चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। परशुराम भवन में आयोजित बैठक में मनोज चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसे में ब्यावर में अब चुनाव में रोमांचक मुकाबला हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस से टिकट ना मिलने के चलते मनोज चौहान काफी निराश चल रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस से पारसमल जैन को टिकट दिया गया था, एक बार पुनः पारस पंच पर विश्वास जताया था पार्टी ने, लेकिन मनोज चौहान इससे निराश दिखे और आज परशुराम भवन में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान मनोज चौहान ने फैसला लिया। तमाम समर्थकों से राय मशवरा करने के बाद आखिरकार मनोज चौहान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो आपको बता दें कि पहले से ही निर्दलीय के रूप में इंदर सिंह बागावास घोषणा कर चुके हैं। तो ऐसे में दूसरा दमदार चेहरा जो चुनावी मैदान में कूद चुका है वो मनोज चौहान है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा और कांग्रेस समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनका ये चुनावी मैदान में उतरना क्या पार्टियों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में मनोज चौहान ने चुनाव की तमाम तैयारियां शुरू कर दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस बनाते हुए घोषणा कर दी है। अपने आप को इस विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी घोषित करता हूं।